रंजन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम मौजूद है राजभवन में धरना के समीप, जहां पे हमने आपको राजेश का मसला दिखाया था। आप देख सकते हैं वहां राजेश आराम से बैठकर विजुअल के माध्यम से, मैं आपको कहूंगी मेरे सहयोगी को दिखाने के लिए, खाना पीना छोड़ के वो बेचारे बैठे हुए हैं और कुछ बात भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि खाना पीना छोड़ा हुआ है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। जब वो नियुक्ति पत्र लेकर जब वो गए सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, गेट पास चिल्लाती धूप में 4 घंटा उनको रोका गया और उसके बाद धक्के मारकर उन्हें वहां से बाहर फेंक दिया गया। और इसके बाद वो फिर से एक बार यहां पे बहुत खुश होकर वो निकले थे कि अब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन ये सपना फिर से एक बार धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं विजुअल के माध्यम से मैं चाहूंगी अपने सहयोगियों को यहाँ फोकस करें और दिखाएं कि आप एक सोशल वर्कर भी हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका नाम क्या है? मधु देवी। अच्छा मंजू जी, आप राजेश जी के लिए आइए, इनके लिए क्या कुछ कर रही हैं? मैं इनके लिए ये करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिन से इनको मैं देख रही हूँ, मैं पंचायत सचिव में भी यहाँ पर बहुत आंदोलन में मैं साथ दी हूँ। गुलाम हसन जब बैठा हुआ था तब से मैं उसको बहुत सपोर्ट मैं की हूँ, या जेपीसी मामले में भी मैं आवाज़ उठाई हूँ। राजेश जी में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बीएनआर में जब द्रौपदी जी मुर्मू जी आई थी तब तो मैं वहाँ गई थी, मैं बीएनआर में तो उन्होंने हमारा नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी लेके दे दिया, अब कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है सो मेरे को मैम से मिलना है। हम कहे ठीक है, मेरी भाई लोग से बोल दिए कि भैया थोड़ा सा यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा उनको हेल्प कर दीजिए। फिर उन्होंने मिले, हम तो मिल उल के चले आए, फिर लास्ट में इन्होंने मिले तो मैं न्यूज के माध्यम से मैं देखी कि इन्होंने मिल लिए। उसके बाद बोले कि दीदी अगर नहीं होगा ना तब मैं आपको कॉल करूँगा। तब तक मैं कुछ दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि इनको यही भैया थे सभी पर यहीं का हम मैं न्यूज देखी हूँ कि इनको घंटी आधारित पे हो गया, तो मेरी को खुशी हुई कि चल भाई सुन लिया लोग। उसके बाद क्या हुआ कि इनको फिर मैं देख रही हूँ कि ये बैठ गए हैं कि क्या भाई, तो ऐसी ऐसी बात है, मेरे को वहाँ जाने नहीं दे रहा है, ये पुलिस को लेकर भी गए तो भी नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है कि सत्याग्रह के लिए कांग्रेसी भाई, मेरे प्रिय कांग्रेस भाई बैठा हुआ है सत्याग्रह के लिए, सोनिया जी के लिए, अगर वो जांच गलत नहीं है तो फिर उनको डर किस बात की, सत्याग्रह क्यों हो रही है, हाय तोबा क्यों मची हुई है, अगर हम सही हैं तो सही हैं, गलत हैं तो फिर गलत हैं, हाय तोबा मचाने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए उठो, आप ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाओ, सहयोग कर दो ना, ताकि आपका भी है इसमें भागीदारी, ये गठबंधन की सरकार है। तो हम इनको कहेंगे कि हमेशा वो उन्होंने कहता है हम फन्ना के लिए किए, फन्ना को किए, तो रूपा तिरकी मामले में वही चीज़ मैं देखी हूँ, संध्या के मामले में मैं वही देखी हूँ। क्या एक माँ को वापस मिल सकती है, माँ को वापस बेटी मिल सकती है? जिन्होंने अभी इन्होंने लोग ने कर दिया कि पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है, आलम जी कांग्रेस के हैं, किनका निकला, उन्हीं का कांग्रेस के ही निकला, बाहर लोग के तो निकला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस अगर फिर से अगर आपको आना है तो अपना जो भी गंदी हरकत है वो करना छोड़ दो आप। इसके साथ ही ये बार दो दो बार नीट क्वालिफाइड है मैम, आपको लगता है कि दो दो बार नीट क्वालिफाई के बारे अगर रोड पे भूखा मरने की बारी आए तो जो फिर विद्यार्थियों में क्या संदेश जाएगा? गलत संदेश जाएगा, एक रावण में मरा फिर वैसे उसी रावण होगा हमारे समाज में। तो यहाँ पर न सरकार कुछ करेगी, न पुलिस प्रशासन कुछ करेगी, ये हम लोग की जागरूकता की जरूरत है। हम जैसे मोहल्ले टोला में ना एक जागरूकता करें कि हम किसी के साथ गलत में हम सपोर्ट करें, आवाज़ उठाएं, ना कि हम दो पैसे की दलाली खा करके हमने बच्चे को बढ़ावा दें। हम अगर हम बच्चे को बढ़ावा देते हैं हम तो एक रावण तो मर चुके, हर साल उनका पुतला दहन होती है, लेकिन हमारे गली मोहल्ले में कैसे हमारे घर में रावण पले हुए हैं, तो उस रावण को तो कम से कम हम सुधारें। उस रावण को सुधारने की बहुत आवश्यकता है हमारे समाज में। ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है, कितना पुलिस प्रशासन करिए, पुलिस पर हमला हो रही है। आप भी बताए तो हमारे इनसे यही अनुरोध है कि राज्यपाल महामहिम से कि ये विनती एक गरीब का जो कि चल नहीं सकते हैं अपने पाँव पे, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनको घंटी आधारित करवा दे, राज्यपाल से हमारी नट निवेदन है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ सोशल वर्कर भी आ चुके हैं और वो भी निवेदन कर रहे हैं और हम यहाँ पर राजेश से भी कुछ बातें करना चाहेंगे। राजेश जी क्या कुछ कहेंगे आप? खाना पीना आप छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब तक ये आंदोलन चलेगा? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं तब तक संघर्ष करता रहूँगा
और मुझे न्याय का उम्मीद है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। मुझे न्याय महामहिम से है, मुझे मुख्यमंत्री से है, संबंधित पदाधिकारियों से है, न्याय का उम्मीद है इसी और लोगों से उम्मीद है। सोशल वर्कर जो अभी आए हुए हैं मैडम, इनसे मुझे उम्मीद है, ये लोग मेरा आवाज़ को उठा रहे हैं। आप लोग मीडिया के लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लोगों तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, महामहिम तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, इस चारदीवारी के अंदर तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। इन लोगों को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे न्याय दिलाने के लिए मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो आपने साफ तौर पर सुना कि भीख खाए पे ऑलरेडी बैठे हुए कह रहे हैं कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक सरकार मेरी सुन ना ले और मुझे फिर से नियुक्ति ना कर दे। आपने सोशल वर्कर को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर के लोगों को सुधारना, क्योंकि घर से ही समाज बनता है, फिर समाज से ही देश बनता है, देश से ही पूरा वर्ल्ड बनता है। तो इस तरीके से शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दो बार नीट क्वालिफाई करके जिस तरीके से यूनिवर्सिटी से धक्के मार कर इनको निकाला गया है, ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि एक विकलांग भी है। विकलांग होकर वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वहाँ तक पहुँच के अगर ऐसी हरकत हो तो वाकई में बहुत शर्मनाक है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।